देख, जल्दी करो, रुको मत। मैं रुका हुआ नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ी सांस ले रहा हूँ। पता है इससे फायदा होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर जल्दी करो वरना मापा पंडिका के पास पहुँचने में देर कर देंगे। हे मीला, कैसी हो? ओ हेलो दोस्तों, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो मेरा अखरोट अंदर चला गया है, क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे मीला, तुम तो जानती हो मेरे पंजे बड़े हैं, देखो ना वहाँ अंदर ये नहीं पहुँच पाएंगे। मीला, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी मदद बाद में करेंगे, इंतजार करना। हीरो की कहानी। जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वो होगी बुलबुल के बारे में। अरे नहीं मापा पंडिका, फिर से बुलबुल की कहानी नहीं, हमें कोई और कहानी सुनाइए ना, कोई हीरो वाली। अरे हाँ, एक डिशुम डिशुम वाली कहानी। हीरो वाली कहानी, डिशुम डिशुम वाली। अच्छा तो ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जमाने की बात है, उस समय जंगल के सभी जीव जंतु साथ में मिलजुल कर रहते थे, मगर एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया। वे बहुत ही खूंखार थे, उन्होंने जंगल की शांति भंग कर दी थी। सभी का जीना दूभर हो गया था। अपने जंगल की रक्षा कैसे करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन भेड़ियों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस एक सबसे बलवान, फुर्तीले और बहादुर ने भेड़ियों का सामना करने की ठानी। पूरी रात वो जंग जारी रही। वो रात उस हीरो के लिए बहुत कांटों भरी रात थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और आखिरकार भेड़ियों को जंगल से भगाकर ही दम लिया। भेड़ियों को मजा चखा दिया उसने। रिशुम, रिशुम, मापा पंडिका, वो हीरो भला कौन था? कोई चीता था क्या? चीता क्या होता, वो हीरो तो एक शेर था। कुछ कहते हैं कि चीता था और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बहादुर शेर था। जमाने बीत गए इस बात को। खैर बच्चों, चलो अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। देख, आओ हीरो हीरो खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं चीता बनता हूँ और तुम भेड़िया बनो। चलो जरा भेड़िया बनकर दिखाओ ना। ऐसे बात नहीं बनेगी, ये किसी भेड़िए की नहीं एक गिलहरी की आवाज लग रही है। तुम हो गए गिलहरी। गिलहरी, देख यहाँ, कोशिश करके देखो जरा। अरे वाह टेक, तुम्हारी आवाज तो एक असली भेड़िए जैसी लग रही है। लियो, ये बताओ कि मैं भेड़िया क्यों बनूं? मैं तो एक हीरो बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, हीरो तो एक चीता था। पर मापा पंडिका ने तो कहा था कि मापा पंडिका तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल न दुखाना चाहते हो। सभी जानते हैं कि शेर शक्तिशाली होते हैं और शेर ही एक असली हीरो हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो कि असली शक्तिशाली कौन है। अरे जाओ, मैं नहीं मानता, मैं हीरो बना तो खेलूंगा वरना नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं, जो उस चोटी पर पहले पहुँचेगा वही असली हीरो होगा। ये बात है तो आओ देखते हैं। अरे सुनो, ये तो बेईमानी है। आओ खड़े मत रहो, जल्दी आओ। मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। क्यों हार मान रहे हो? लियो, आओ आओ दौड़ो। क्या करूं? कितना अंदर चला गया? आया जाना, मुझे भूख लगी है, क्या करूं इसका? फंस गई, लगता है मैं तो फंस गई। लियो मदद करो।
मुझे बाहर निकाल दो। इंतजार कर सकती हो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं बस जरा टिक को बता दूँ कि यहाँ का असली हीरो कौन है। मीला, क्या तुमने लियो को देखा? हाँ, उस तरफ गया है। टिक, मुझे बाहर निकाल दो। मीला, मैं लियो को हरा कर अभी आता हूँ। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। बस तुम एक काम करना, जाना मत कहीं। यहाँ से कहीं जाऊंगी भी कैसे? अरे वो देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बेचारी फंस गई। चलो जरा उसकी मदद करते और फिर भोजन करेंगे। तो कौन है यहाँ का हीरो? क्या हुआ हीरो, हार मान रहे हो क्या? हीरो कभी भी हार नहीं मानते। आ रहा हूँ। टिक, गंदी जड़ छोड़ दे मुझे। यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वहाँ? लियो, टिक। और ये है गलत जवाब। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ, फंस गई हो क्या? लियो, लियो, बस मुझे पकड़े रहना प्लीज। मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर चढ़ो। मेरा वजन सहलोगे ना? मैं भारी हूँ। कोई बात नहीं, चीते शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता है, ये दौड़ लगाना बेवकूफी का काम था। हम बारी बारी हीरो हीरो खेल सकते थे। पहले तुम हीरो बनते, फिर मैं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन पहले हीरो मैं बनता। ये कैसी आवाज है? ये तो मीला है, लगता है कोई गड़बड़ है। ये लो, ये लो, मेरे पास मत आओ। मैंने कहा रुक जाओ आप। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम इस तरह नहीं बच पाओगी। लियो, टिक, कहाँ हो तुम लोग? कोई बात नहीं है, तुम्हारे शंकु फल खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले हैं। छोड़ दो हमारी दोस्त मीला को, वरना बहुत बुरा होगा। और भोजन आ गया। आ जाओ तुम भी, मेरा चटपटा भोजन। यहाँ कोई भी तुम्हारा खाना नहीं है। लियो, इन्हें मजा चखाओ। पकड़ लो से। चलो इन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। हाँ, और फिर शांति से कहीं मजे से भोजन करेंगे। पकड़ लो इन्हें। बॉस, लगता है भेड़िए आ गए हैं वहाँ पर। ए, चुप कर, बकवास मत कर मेरे से। कैसे भेड़िए? बहुत ही खूंखार और भूखे भेड़िए। बॉस, वो पास आ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड। ठीक है, चलो यहाँ से, भेड़ियों के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बच गई तू आज प्यारी राजदूत, आज तेरा दिन अच्छा है। लियो, तेरा संभल कर, वहाँ पर भेड़िया है। अरे घबराओ मत मीला, यहाँ कोई भेड़िए नहीं है, ये तो मैं और टिक थे। अरे ये तो बिल्कुल असली भेड़िए जैसी आवाज थी, मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। ये लो तुम्हारा अखरोट। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने तो असली हीरो की तरह मेरी जान बचाई। टिक,
मुझे लगता है कि भेड़ियों को भगाने वाला हीरो एक नहीं था, वो दो हीरो थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, शेर और चीता हीरो थे। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों हीरो बनते हैं और मीला भेड़िया बनेगी। तो चलो आओ हीरो हीरो खेलें। पर क्यों, मैं तो हीरो बनूंगी, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती। अरे दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है, रुक जाओ। लियो, देख, मेरी बात सुनो। जगह में घास के सभी तिनकों में जीवन है, क्योंकि वहाँ पर टैगा की आत्मा छिपी हुई है। क्या कहा आपने, टैगा की आत्मा? टैगा की आत्मा सभी जगह पर है, घास के तिनकों में, वृक्षों में, पहाड़ की चोटी पर, और तो और गहरी गुफाओं में भी। रहस्यमयी गुफा। यहाँ छुप जाओ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो उन्होंने मुझे पिछली बार ढूंढ लिया था, इस जगह पर भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। अरे हाँ, यहाँ तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। लियो, ये देखो। देख, आओ मेरे पीछे। पता नहीं ये मीला कहाँ चली गई। देख, तुमने उसे देखा? अरे नन्ही मीला, तुम भी छुपना कब सीखोगी? ये तीसरी बार है जब तुम यहाँ छुपी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अरे हाँ, क्यों ना हम अब पकड़म पकड़ाई खेलें? नहीं, नहीं, नहीं। हम फिर से छुपन छुपाई खेलेंगे, आखिरी बार। मीला, ये भी आखिरी बार ही था। एक बार और खेलती है ना, बस आखिरी बार। चलो ना, चलो ना, चलो ना, आखिरी बार। छह, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, देख। अरे नहीं, ये गलत है, तुमने बहुत तेजी से गिनती गिनी थी। कहाँ जाऊँ? यहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं, कहाँ छुपूँ, कहाँ छुपूँ? ऐसी जगह जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। अरे वाह, ये तो एक गुफा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ मत कहना। अरे वाह, आखिरकार मैं छुपी गई। अरे ये क्या है, कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद कीजिए, मुझे दिखाइए घर का रास्ता। आपका शुक्रिया, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए उस तरफ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, क्या वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे? अरे ये क्या है, एक मिनट के लिए मैं, अरे बाप रे, देखो तो सही, जरा इसे देखो, पीछे भी देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये तो मैं हूँ, और यहाँ भी मैं हूँ, ये सब जगह मैं हूँ। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरी पूंछ, ये भी सुंदर है, मेरे कान, पम परम 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 पम पम। ये क्या है? मुझे तो घर जाना है, लेकिन किस तरफ? इस तरफ नहीं, इस तरफ। हाँ, शायद इस तरफ जाना है। नहीं, यहाँ नहीं, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अरे नहीं, लगता है मैं खो गई हूँ। लियो, देख, ये मीला आखिर चली कहाँ गई? हाँ, लगता है अब की बार बढ़िया जगह छुपी है। अजीब है, यहाँ भी नहीं है। लियो, यहाँ देखो, ये किसी के पैरों के निशान हैं। अरे वाह, ये तो मीला के हैं, आओ मेरे पीछे। अरे नहीं, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सुनो लियो, बाहर आओ, मीला यहाँ नहीं है। ठीक, जरा ठहरो, ये देखो, ये पुल तो मीला का है, वो यहीं पर है, आओ अंदर चलें। वहाँ पर क्या बात कर रहे हो लियो? अब मैं क्या करूँ? नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
लिए मैं आया। मैं ठीक हूँ। लियो, लियो, तुम यहाँ हो? देख मैं यहीं हूँ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक तो लग रहा है लियो, पर हम हैं कहाँ? हम एक गुफा में हैं और मीला भी यहीं पर है। वाह मजा आ रहा है। देखो टेक, पैरों के निशान है। मैं आगे जा रहा हूँ। लियो लियो, मेरे लिए रुको, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मीला, क्या हुआ? वो मिली? नहीं टेक, ये निशान आगे नहीं है। क्या तुमने सुना? ये तो मीला है। चलो चलते हैं, वो वहाँ है। आ रहा हूँ बाबा तुम्हारे पीछे। मैं क्यों इस गुफा में आई? अब मैं खो गई हूँ। लियो, मीला, कोई तो सुनो। हम आ गए मीला। लियो, मैं यहाँ पर हूँ। लियो, अब ये क्या है? लियो, मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों। लियो, मीला, मेरे दोस्तों, तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक हैं, पर तुम ठीक हो ना? आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, हम यहाँ से निकलें कैसे? अरे मुझे कैसे पता होगा, हम तो यहाँ मीला की आवाज़ सुनकर आए थे ना। लियो, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो, कह दो कि तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। चलो कोई नहीं, घबराओ नहीं, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। फिर वो रास्ता ढूंढ लेगा। मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा किसी भी हालत में। मीला जरा सुनो, तुम डर तो नहीं रही ना? मैं कुछ सोच लूंगा पक्का। मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ बस शुरुआत में लगा था, पर जब मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने बता दिया। क्या बात कर रही हो, किसने बताया? मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है कि इन क्रिस्टल्स ने मुझे रास्ता दिखाया। क्रिस्टल ने रास्ता दिखाया? मीला, मैं सब समझ गया। मुझे लगता है ये टैगा की आत्मा है जिसके बारे में मापा पंडिका बात कर रहे थे। वो घास के तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों की चोटियों और तो और गहरी गुफाओं में होती है। मैं जान गया कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। टैगा की आत्मा हमारी मदद करेगी। टैगा की आत्मा प्रकृति की आत्मा है, वो हर जगह है, सभी तिनकों और पत्थरों में है। हम टैगा की आत्मा को देख नहीं सकते, बल्कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम उस पर भरोसा करें तो वो भी हमारी मदद के लिए हमारे पास होगी। तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बच्चों की बातें। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, हम खो गए हैं। बस बस गए। टैगा की आत्मा, दया करके हमें दिखा ये घर का रास्ता। शुक्रिया टैगा की आत्मा। सुनो दोस्तों, मेरे पीछे आओ। लियो, हम लोगों के लिए रुको। लियो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है? लियो, देख, अगर तुम बोलते रहोगे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? मैं तो बस ये कह रहा था कि टैगा की आत्मा से कहो कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकाले, अब मुझे भूख लगी है। तो तुम खुद क्यों नहीं कह लेते? हाँ हाँ कह लेता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। अरे सुनो टैगा की आत्मा, हमें बाहर निकालो जल्दी से। अब हुआ कमाल। टेक, ये क्या है, तुम प्यार से नहीं बोल सकते क्या? अच्छा बाबा ठीक है, कृपा करिए।
अब ये क्या है? ये तो चमगादड़ है। हुर्रे, हम बच गए। क्या बात है टेक, तुमने कैसे कहा ना हमें बाहर निकालो। वाकई में तुम्हारी टैगा की आत्मा ने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो यकीन भी नहीं था। ऐसा नहीं है, मुझे तो शुरू से यकीन था। आओ चलो घर चलें, जल्दी करो। आओ मेरे। टैगा की आत्मा हर जगह है, परंतु उसे वो ही देख सकता है जो वास्तव में चमत्कार में विश्वास करता है। हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। नहीं, गलत है, तुमने पहाड़ी पर से चढ़कर शॉर्टकट लिया था। सुनो दोस्तों, मैंने एक गाना लिखा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रहने दो, हमें कोई गाना वाना नहीं सुनना। नीला आओ, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और टेगा में पकड़ेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम रुको, अभी पकड़ता हूँ मैं। सर्दी की कहानी। ठीक है तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक भालू और जादुई गीत के बारे में कहानी सुनाऊंगा। सुन रही हो मीला? ये कहानी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक भालू रहता था। वो बहुत ही बलवान और दयालु था। वो टैगा का राजा था, सारे जंगल की देखभाल करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जंगल में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने बिलों में छिपने लगे। पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक गया। भालू अकेला और उदास हो गया। वो जंगल में अकेला घूमता और भयानक आवाज में हुंकारता था। अपनी हुंकार से बच्चों को डराता और जानवरों को सोने नहीं देता था। फिर एक बार कहीं से छोटी सी चिड़िया भालू के पास एक पेड़ की डाल पर आकर बैठी और गाना गाने लगी। सर्दी खत्म होगी और फिर से वसंत ऋतु आएगी, फिर से सूरज चमकेगा, फूल खिलेंगे और सभी जानवर खुशी खुशी खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे। ये गीत सुनते सुनते भालू सो गया। उस समय से सर्दी का मौसम आते ही भालू जंगल में नहीं घूमता। वो अपनी गुफा में घुसकर वसंत ऋतु के आने तक सो जाता। सुनिए मापा पंडेगा, क्या ये बात सच है कि भालू सोते समय अपने मुंह पर पंजा रख कर सोते हैं? ये कोई कैसे बता सकता है? सोते हुए भालू की गुफा में घुसना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। देख, तुम्हें क्या लगता है, भालू अपने मुंह पर आगे वाला पंजा रखता होगा या फिर पिछला? नहीं, आगे वाला, पिछला पंजा मुंह तक नहीं आ रहा। वैसे ये जानने के लिए हमें पंडिगा के सोने का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है, हमें इंतजार नहीं करना होगा। चलो भालू की गुफा अभी देखें। क्यों रही हो? मैं तो बस गुफा में देख ही तो रहा हूँ। लियो, लियो।
को वसंत ऋतु तक जगाना नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? भालू को किस तरह से सुलाएंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ। भालू को सुलाएंगे गाना सुनाकर। हम उसको एक जगह पर ले जाएंगे, वहाँ गाना सुनाएंगे और वो सो जाएगा। क्या मैं गाना गाऊं? ओह, गाना गाऊं? गाना आता भी है, गाने के साथ नाचना भी। ये मजाक नहीं हो रहा, समझी? पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी। बहुत बढ़िया, हम उसे एक बोरिंग कहानी सुनाएंगे। वो बोर होगा और बोर होने की वजह से सो जाएगा। लियो, पर उसके लिए तो हमें उसे शांत करना होगा। उसका तरीका है मेरे पास, ये काम आएंगे। वो आ रहा है, सब तैयार रहो। देख, रील दो। डरो मत, शुरू हो जाओ, तुम कर सकती हो। जब सर्दी में बहुत ठंड पड़ने लगेगी तो टैगा में खतरनाक तूफान आएगा, बहुत बड़ा बर्फीला तूफान, ऐसा तूफान जो सब खत्म कर देगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मैं हूँ बर्फीला तूफान, मैं सब खत्म कर दूंगा। धूम धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगल के सभी निवासियों को वो बर्फीला तूफान बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी अपने घर में गहरी नींद सोता, बर्फीला तूफान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर एक बार एक छोटा भालू अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में घूमने फिरने लगा और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को देखकर चीखने चिल्लाने लगा, मैं तुम्हारी कुल्फी जमा दूंगा, तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर ले जाऊंगा। कुल्फी जमा दूंगा, पकड़ कर। अरे वो देखो, बर्फीला तूफान उसे जमाने वाला है। कुल्फी जमा दूंगा, जमा देगा। ठीक, बस करो, बर्फीला तूफान भालू के बच्चे को जमाने वाला है। पकड़ कर ले जाऊंगा। पर एक छोटी चिड़िया ऐसी थी जिसे डर नहीं लगा। वो चिड़िया उस बर्फीले तूफान के पास आ गई और एक पेड़ की टहनी पर बैठकर वसंत ऋतु और गर्म सूर्य के गीत गाने लगी। और बर्फीला तूफान वसंत ऋतु से डर गया। बर्फीला तूफान झटपट 9-2-11 हो गया। ओह नहीं, वसंत ऋतु नहीं, नहीं, मुझे वसंत ऋतु से डर लगता है। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है वसंत ऋतु से, मुझे डर लगता है। वो बहादुर चिड़िया भालू के बच्चे को उसके घर ले गई और एक सुरीला गाना भी सुनाया। लियो, लियो, मुझे गाना नहीं आता। ठीक है, जैसा आता है मैं कोशिश करती हूँ। लियो, क्या करें? मुझे लगता है उसे ज़ारा का गाना पसंद नहीं आ रहा। देख रहा हूँ, पर मैं भी नहीं गा सकता। ज़ारा, मैं कोशिश करती हूँ। नीला, कहाँ जा रही हो? तुम कैसे तुम सब गड़बड़ कर दोगी। बर्फीला तूफान गरजेगा शैतान, बिछा देगा पेड़ों पर बर्फ की चादर, पहना बर्फ का घूंघट देगा धरती को, झटपट सो जाओ भालू प्यारे, उठना तुम सवेरे, सो जाओ भालू प्यारे, नींद सोने वाला है। प्यारे सोए गिलहरी के बच्चे, सोए गीत पतंगे, बीत जाएगा ख्वाब सा सर्दी का मौसम, फिर लौटेगा सूरज, आएगी बसंत बहार, फिर से वृक्षों के पत्ते होंगे हरे भरे, फिर आएगी गर्मी, सो जाओ दिखाओ नरमी। शाबाश मीला, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पक्षी। अब इसे हिलाएं कैसे? धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत भारी है, चलना जाए। तो
शुक्रिया मीला, तुमने हमें बचा लिया। कोई बात नहीं, क्या वो सो गया? सुनो, वो सो रहा है ना? हाँ, और उसने मुंह पर पंजा रखा हुआ है। मीला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना अच्छा गाती हो जैसा तुमने अभी गाया। सो जाओ भालू प्यारे, नींद लो राज दुलारे। क्या हुआ, मैं भी ठीक ठाक गा लेता हूँ। अच्छा बहुत हुआ। सो गए हैं किलनी के बच्चे, सो गए हैं कीट पतंगे, बीत जाएगा काफ़ा, सर्दी का ये मौसम, फिर से लौट आएगा सूरज, फिर आएगी फिर आएंगी गर्मियाँ, फिर आएंगी गर्मियाँ। पर अभी तो भालू सो रहा है। देखा, एक अच्छा गाना कैसा जादू कर सकता है। कहीं दूर अनंत आसमान की ऊंचाई पर, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है। बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है, बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है। वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर चला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। वाओ, अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। तो क्या चले लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका, अलविदा मापा पंडिका, अलविदा, अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों यहाँ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान, लाल हिरन। लाल हिरन? यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, चलो 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 चलो, धकेलो जल्दी जल्दी, धकेलो जोर लगा के। है ईशा, वाओ। तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या, हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, जोर लगा के। हाईशा, वाह क्या बात है, ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो, तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। देख, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो, चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है, मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह। हाँ, मुझे लगता है कि ये
देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है, चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है। तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। देखा, मैंने तो कहा ही था, यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो, ये तो सिर्फ पक्षी है, तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था, वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है, क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! देखा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्दिक नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टेक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्दिक को जरूर ले आएगा। मार्दिक, मार्दिक, ओ मार्दिक। अच्छा तो तुम यहाँ हो मार्दिक, तुम मुझे सुन रहे हो? मार्दिक, हमें भागना होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़ कर आया हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बच्चा, क्या हो गया? उन्हें तो वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो वहाँ, देखो कोई भाग रहा है। मार्दिक, ये तो मेरा मार्दिक है। मामा, मैं यहाँ। पर कैसे? हम लोग भला इसे कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है, अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हईशा। और ये हो गया, हिरन पास आ
नहीं कर पाएंगे। हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। मैजिक। लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? देख, तुम फिर शुरू हो गए। कुछ कीला कीला लग रहा है। देख, आगे धकेलो। संभाल के। सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ। लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, हमने कर दिखाया। लाल हिरन को हरा दिया। हमने भगा दिया। बच्चों तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पप्पन देगा, हम ठीक हैं। पता है हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो अब यहाँ पर चार तेंदुए हैं। चार नहीं, पांच। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पायलट बनकर माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिक यहाँ नहीं है। ए लकी, मेरी बात सुनो। तुम अब से ये बाग हमारा है और ये रस भरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं करती। नहीं, बचाओ। उड़ गए, बिल्कुल निशाने पर लगा। छुट्टी करने में आ गया हूँ। सुनो लड़को, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। तू अकेली नहीं है। तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़को मजा चखा दो। ओ, 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 ओ,
विश्वास नहीं होता कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है सच में। अरे देखो ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया फिर दूसरे को, इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो तुमने देखा उस भालू को? उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों जान बचानी है। नहीं बच्चों नहीं, उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो चलो यहाँ से। नहीं रुको जरा, माँ पापा देगा क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है, टैगा की देवी। वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देख, देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला, अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो तुम हमारा साथ दोगे? जी जरूर, हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो।
शंकर, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है, हमने इस किले को बनाया है, समझे तो? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। लगता है मीरा खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेको, फेको, मारो इसे, मारो। अरे, ओह, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, मीरा भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज? भागो। देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है, मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है, हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। मीरा बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक, दो, तीन, पुराना दोस्त, पाँच, छह, सात, अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं, कोई जगह सही ही नहीं लग रही। मैं आ रहा हूं। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है लियो, तुम यहीं पर हो। अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। मजेदार था, एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया, दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था, और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिग, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिग, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं, हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, जो लहरों में चले गाकर हम उसे भगा। मापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौए हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला, वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। मेरे दोस्त, कैसे हो?
पर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल है। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होंगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है उस पहाड़ी पर। टेक, मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया? तू कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगा का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओ, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिक उसे जल्दी ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिक। हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने, ये मेरे ऊपर से उड़ गया। चलो चलो चलो, इसको 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 लेके चलते, चोट लगा के। है ईशा, और सर से, और सर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे। ये अपने आप गिर गया, हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा।
कौन सा है? मेरे बच्चों। मापा पंडिका, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ए लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है, थक गया। चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? ए, चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पे और इसे वहाँ पे और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। ठीक, सबको बुलाओ। हाँ आइए, देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है, आई है बाहर। आ गया हूँ मैं भी घर मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस छाड़ी तक, वहां तक। चलो मैं गिनता हूँ, शुरू करें। एक, दो,